उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में गुरुवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं निर्माण कार्यक्रमों को विभागवार गहन समीक्षा की और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार विकास परक योजना व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत प्रयास करके विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर लागू करें। इस दौरान चिड़ियाघर के निर्माण में धीमी प्रगति होने पर उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के अभियंता का स्पष्टीकरण लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्य में तेजी से पूर्ण करें। सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक में जनपद की कानून व्यवस्था, महिला अपराध नियंत्रण, अवैध खनन व कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया तथा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को सभी अधिकारी धरातल पर लागू करें तथा जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गोवंश आश्रय स्थल, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आयुष्मान भारत, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बीज व उर्वरकों की उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। समीक्षा बैठक में प्रोबेशन व समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण विभाग से लंबित पेंशनों व आवेदनों को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों को संबंधित विभाग के अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था आपसी समन्वय स्थापित कर मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप समय से कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए विशेष अभियान चलाएं तथा किसी भी योजना का रिवाइज एस्टीमेट न प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि रिवाइज एस्टीमेट भेजा तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों से समीक्षा करेंगे और कुछ शासन की विशेष जो प्राथमिकताएं हैं उसको भी अलग से इंगित करेंगे। तो सर आपकी अनुमति से हम सभी अधिकारी मौजूद हैं, मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। यहाँ से आपके यहाँ पे मैं लगा हुआ, आप एक अपना परिचय दे दीजिएगा, साथ ही आपकी क्या प्रगति है उसके बारे में सर को अवगत करा दीजिएगा। काफी गति में अद्भुत आया विकास और चुनाव लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया, उसके लिए धन्यवाद। अब विकास की गति जो होती है उतना काम विलंब से शुरू हुआ, उस काम को ज्यादा समय देकर पहले जो काम कभी छूट जाता है तो उसको पूरा करने के लिए हमें समय की बाध्यता है। और समय एक ऐसा प्रबल बिंदु है जो वापस नहीं मिलता, इस समय आज का दिन व्यतीत हो गया तो वो वापस नहीं आने वाला। इस नाते से अभी पुलिस काम भी छूट गया है, आपने जो बात किया जाएगी तो इस नाते से आज की बैठक है, मैं कम समय में ज्यादा काम इसे आज आपकी जेब में 100 रुपये का नोट कर रहा है, यदि आप इसे आज नहीं खर्च करना चाहो तो बचा सकते। और यदि आज का दिन आपके समय में है, आज का सूर्य सुबह निकला और आप चाहें कि सूर्य अस्त ना हो तो आप इसको रोक नहीं सकते, इसलिए समय बहुत प्रबल है। कम समय में ज्यादा काम करना है, बिहारी कवि ने कहा जीवन छोटा है स्वामी, बहुत समय कम है, काम बहुत ज्यादा। तो हम कहेंगे सिद्धू साहब से कि बातचीत करते समय भी अपने काम का भी वो आकलन बताने जरूर समझ लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय है, उनका प्रयोग नहीं करता था
या तो संडे भर दिए या कुछ और कर दिया, उनका उपयोग नहीं हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की बहुत ईमानदारी से जनपद गोरखपुर में कोई भी घर बिना शौचालय के रहेगा, जनपद गोरखपुर के हर गांव में हर परिवार में शौचालय हो और विधिवत और व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग करें, ये मेरी कहना है। सर जनपद गोरखपुर के सर 5,27,000 शौचालय का सर निर्माण किया गया है सर स्वच्छ भारत मिशन में, और उसमें से लगभग 91.5% फोटो अपलोड हो गया सर, कहीं सर लोग छोटे परिवार को सर 15 से 20 दिन पर धनराशि की सर समस्या है सर करा लेंगे सर 15 दिन धनराशि कैसे सर 96 करोड़ सर बताया है सर क्यों सर 2 महीने का सर स्पेशली सरकारी नियंत्रण के लिए सर फिर उसके सर हर गाँव में चलाया जा रहा है सर, हर महीने भी किया जा रहा है सर। अभी सर न्याय पंचायत वार्ड सर एक साथ रोस्टर लगा के सर सफाई कराई जा रही है हर गाँव में, 10-12 लोग एक साथ लगा रहे हैं सर। देखिए काम ही करें, पास के जो गाँव शहर